तो फ्रेंड्स आज हम लोग बनाने वाले हैं गुजरात की बहुत ही फेमस रेसिपी ढोकला, जिसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसे खमन ढोकला, फिर नारियल ढोकला भी बोला जाता है। आप लोग देख सकते हो कितना स्पंजी बना, बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कप लिया है बेसन, और फ्रेंड्स ये 100 ग्राम बेसन है। उसके बाद 2 चम्मच मैंने बारीक वाली चीनी डाली है, आप चाहें तो थोड़ी मोटी भी इस्तेमाल कर सकते हो। 1/2 चम्मच नमक डाल लेंगे, उसके बाद 1 चुटकी के करीब इसमें हमें हल्दी डालनी है, और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम सिट्रिक एसिड, या फिर इसे टार्टरिक भी बोला जाता है, या फिर नींबू के फूल भी बोला जाता है। अब 1 चम्मच इसमें ऑयल डाल लेंगे। ऑयल डालने से क्या होता है फ्रेंड्स, गले में नहीं अटकता है। अब सारी चीज़ों को मिलाएंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक बहुत ही अच्छा सा बैटर बना के रेडी करना। बैटर कैसा बनाना है वो मैं आप लोगों को आगे दिखा दूंगी। और फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसको इस तरीके से ये इसका बैटर बना के रेडी किया है, और अभी मैं इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है वो आप लोगों के साथ अभी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, ये देखिए मैं चम्मच से गिरा के दिखा रही हूँ, तो ऐसा बैटर होना चाहिए, बहुत अच्छा गाढ़ा सा बैटर है ये, बिल्कुल भी पतला नहीं होना चाहिए, नहीं तो अच्छा नहीं बनेगा आपका खमन। ये देखिए, आपको मैंने लाइन करके दिखा, तो लाइन मिल नहीं रही है, तो अंदाज़ा आपको लग गया होगा। अभी क्या करेंगे, 2 मिनट के लिए इसको हमें अच्छे से फेंट लेना है। फेंटने से क्या होता है, इसके अंदर बबल्स क्रिएट होते हैं, और एक जो चीनी होती है इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है फ्रेंड्स, वो भी अच्छे से घुल जाता है। तो अच्छे से इसको 1 मिनट के लिए चला लेंगे, और 1 मिनट के बाद क्या करेंगे, इसे हमें ढक करके साइड पर कर देना है, तब हम बाकी की तैयारी करेंगे। अब मैंने क्या किया था फ्रेंड, कढ़ाई के अंदर मैंने पानी डाल लिया था, आपके पास स्टीमर है तो स्टीमर ले सकते हो, उसके ऊपर मैंने एक स्टैंड लगाया था, उसे उबलने के लिए मैंने छोड़ दिया था ताकि अच्छे से गर्म हो जाए। अब यहाँ पर मैंने बेसन लिया है, और 1/2 टीस्पून यह है मीठा सोडा, या फिर बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा, आप क्या बोलते हैं वो पता नहीं, पर मैंने आपको बता दिया कि इसे क्या क्या बोला जाता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये 1/2 चम्मच से लेवल करके बता रही हूँ, 1/2 चम्मच से थोड़ा सा कम है, और ये खाने वाली चम्मच है, और आपके पास अगर टी स्पून हो मेजरिंग वाली तो वो डाल लीजिएगा। इसे डाल देंगे, क्योंकि जो हमने नींबू के फूल या जो हमने टार्टरी डाली है वो एक्टिवेट करती है फ्रेंड्स इस मीठे सोडे के साथ, तो बबल्स बनते हैं जिससे जो खमन ढोकला होता है बहुत अच्छे से फूल जाता है। अब देखिए कितना फूल चुका है, कितने बबल्स क्रिएट हो रहे हैं, तो एक ही साइड में इसको घुमाना है, दूसरी साइड मत घुमाइएगा, नहीं तो बबल्स फूट जाते हैं जिससे आपका ढोकला बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता। अब ये तो रेडी हो चुका है। अभी मैंने क्या किया था, एक ढक्कन था उसके अंदर मैंने ना अच्छे से ऑयल लगा लिया था, ऑयल लगाएगा इससे बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपकेगा। अब ये बैटर इसके अंदर डाल लेंगे फ्रेंड्स, और हमें जो बर्तन है उसे ना खाली छोड़ना है, ऊपर से बिल्कुल फिल नहीं करना है उसको, थोड़ा खाली छोड़ेंगे। तो देखिए मैंने इसको ऊपर से थोड़ा सा खाली छोड़ दिया, और जो सब बाकी मेरा बचा हुआ बैटर था वो मैंने कटोरी में डाल के अलग से मैंने इसको स्टीम कर लिया था। अब जो स्टीमर हमने रेडी किया है फ्रेंड्स, ये इसके अंदर इसे रख देंगे, और इसे हमें ढक देना है। ढक करके इसे लगभग हमें 15 से 20 मिनट के लिए हाई टू मीडियम फ्लेम पर पका लेना है फ्रेंड्स, लो फ्लेम पर नहीं पकाएँगे, और इसको ढक करके मैं अच्छे से पका लूँगी। तो देखिए मैंने अभी इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया है, और ढक्कन लगा करके मैंने इसको छोड़ दिया था, और बिल्कुल भी नहीं खोलना है आपको बीच में, नहीं तो आपका जो ढोकला है बीच में सिंक हो जाएगा, एकदम चिपका चिपका वो बनेगा। तो अभी देखिए जो हमारा ढोकला है अच्छे से फूल करके रेडी हो चुका, आप लोग देख सकते हो फ्रेंड्स, और अभी इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ठंडा होने के बाद ही हम इसे कट करेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए कितना फ्लफ़ी बना है, बहुत फ्लफ़ी बन के रेडी हुआ था। तो इसकी हम कटिंग कर लेंगे, और जब मैं इसकी कटिंग करूँगी ना तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा अच्छा बना होगा, कितना फ्लफ़ी बना होगा। तो देखिए मैंने आपको कट करके दिखाया कितना अच्छा बना है फ्रेंड्स, ये देखिए चाकू पर बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है, बहुत अच्छा बन के रेडी हुआ था। छोटे छोटे पीसेस करेंगे, और पीसेस करने के बाद अभी हम इसका तड़का जो है वो रेडी करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को इसका एक पीस यहाँ पे दिखा दे रही हूँ, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि ये मेरा खुद का बनाया हुआ ढोकला है। तो देखिए इसको जैसे नीचे करती हूँ वे वापस से खुद की शेप में आ जाता है, देखिए कितनी जालियाँ बनी है इसके अंदर। तो अब इसका तड़का बनाएंगे, तड़का बनाने के लिए 2 चम्मच यहाँ पे आप कोई भी ऑयल ले सकते हो, मैंने रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल किया था, आप इसमें देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे इसमें मूँगफली का ऑयल डाला जाता है, राई डाली है, जब राई अच्छे से चटक जाएगी तो बारीक कटी हुई मिर्च डाल देंगे, थोड़ा सा करी पत्ता डाला था, आपके पास नहीं है तो आप धनिया डाल सकते हो, और यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब मैंने डाला था फ्रेंड्स चीनी, चीनी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हमें सारा इसके ऊपर डाल देना है, जो हमारा खमन है फ्रेंड्स उसके ऊपर डालेंगे, क्योंकि फिर ना बहुत अच्छा जूसी जूसी होता है, बहुत टेस्टी लगता है तड़का डालने के बाद। तो देखिए तड़का इसके ऊपर डाल चुका है फ्रेंड्स, और आप लोग ना ये रेसिपी एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा,
यकीन नहीं मानेंगे, इतना टेस्टी बनता है, मुझे बहुत अच्छा लगा फ्रेंड्स ये, और फर्स्ट टाइम में एकदम परफेक्ट बनेगा। कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ लीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर पसंद आती है। अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।